आज जैसे होता है ना, आप लोग पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पुलिस विभाग में आने के लिए आप लोगों में जो ये होड़ मची हुई है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप हो, या आने वाली जो वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की है, तो बीच बीच में क्या होता है, तैयारी करते वक्त तो मन नहीं लगता है, तो कुछ चीजें यदि हमें जानकारी मिलती रहती है ना, तो हमें पढ़ना और अच्छा लगता है, पढ़ाई में दोबारा से हमारा मन लगने लगता है। हम बात करते हैं, ये तो संविधान पढ़ा रहे थे, देखिए ये मिटाना हम भूल गए, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हम टीए और डीए, ये दो चीजें क्या हैं, जो कि हमें लगभग 8 से 10 हजार महीने सैलरी एक्स्ट्रा देती हैं। आपकी जो 30 हजार के आसपास सैलरी है, प्रारंभिक सैलरी एक सिपाही की, और आपके एसआई की जो सैलरी है हेड ऑपरेटर की, लगभग मान के चलिए 40 से 42 हजार के आसपास प्रारंभिक जो है, या असिस्टेंट ऑपरेटर हो जिसकी सैलरी 30-32 हजार के आसपास मंथली प्रारंभिक है, तो वर्कशॉप जो है वो सिपाही के बराबर ही सैलरी होती है, तो इनको ऊपर से जो सैलरी मिलती है जिसे हम टीए डीए कहते हैं, वो टीए डीए 9 हजार 10 हजार 12 हजार किस हिसाब से कब कैसे मिलता है, और यहां ऐसी तमाम जानकारियां जो आपको जल्दी कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहां हम इस विभाग में हैं और ऐसी पोस्ट पर हैं, यहां पड़े हुए हैं, तो लगभग हर जानकारी जो है ना आपको कहीं गलत है कि सही है, इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये टीए को हम कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस जो है, जो यात्रा भत्ता, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मुलजिम ड्यूटी या तमाम कुछ ऐसी ड्यूटियां होती हैं जिनमें आपको थाने क्षेत्र से या पुलिस लाइन के क्षेत्र से बाहर 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भेजा जाता है, जब आप 8 किलोमीटर के अंदर हैं तब आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी, मगर यदि आप 8 किलोमीटर से दूर ड्यूटी देने चले गए तब आपका क्या मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि आप यात्रा किए हैं तो उस दौरान जितने भी भाड़ा किराया लगे हैं वो भाड़ा किराया तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अब प्लस में एक दिन की सैलरी डीए के तौर पर डियरनेस अलाउंस कितना मिलता है, इसको जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तीन तरह का होता है, एक जो होता है ना पूरे तरीके से नगर महानगर या जो मुख्य सिटी है, या आप विधायक जैसे होता है ना, सांसद विधायक के जो गनर रहते हैं, सिपाही आते हैं पुलिस लाइन में तो वो सांसद विधायक के गनर बन जाते हैं, तो उनको हमेशा 390 के आसपास, कितना एक दिन का 390, कहीं आप शहर में गए हैं दूर तब भी आपको 390 मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में कितना है, ग्रामीण इलाकों में 240 है, एक दिन का इतना जो है ना, इतनी सैलरी एक दिन की आपकी बढ़ करके आती है, महीने में नहीं आती है, एक फार्म आपको प्रोफार्मा जो मिलता है उसको भर करके बढ़िया से पुलिस लाइन में जमा करना होता है, फिर इसकी जांच की जाती है, जांच करने के बाद वो सही पाया जाता है, सही तो रहता है भाई, जितने लोग भी भरते हैं किसी का गलत नहीं रहता और किसी का पैसा रुकता भी नहीं है, 5-6 महीना ड्यूटी करने के बाद जब सिपाही भरते हैं तो किसी का 50,000, किसी का 70,000, किसी का 80,000, किसी का 30,000, 45,000, ऐसे एक्स्ट्रा सैलरी उनको एक मुश्त एक ही बार में मिल जाती है, समझ रहे हैं। और तीसरा जो अति पिछड़ा ग्रामीण इलाका है, यहां लगभग एक दिन का 180 के आसपास है, अब मेरी बात को आप समझिएगा, 390 में यदि आप किराया जोड़ेंगे, मान लीजिए 40-50 रुपया जो भी किराया है, 100 रुपया जोड़ लिए, यहां पर भी 40-50-100 जो किराए हैं, किराओं को जोड़ लेंगे, जो आपका यात्रा भत्ता जो ट्रेवलिंग अलाउंस है उसको जोड़ लेंगे, तो एक दिन का कहीं कहीं 500 बन जाता है, कहीं कहीं 300 से 350 बन जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है 200 से 250 बन जाता है, अगर 500 बनता है या 400 के आसपास, 450 के आसपास बनता है, तब भी काट पीट करके आपका यहां 10 से 12 हजार रुपए महीने यहां बन जाते हैं एक्स्ट्रा सैलरी, यहां पर आपका 300 के आसपास रहता है तो 8 से 9 हजार लास्ट में फाइनली काट पीट करके उल्टा चीजें सीधा चीजें सब देख तक के 8-9 हजार यहां बन जाता है, 7 हजार 8 हजार 9 हजार, ये जो है 6 हजार के आसपास आपको यहां पर भी बन जाता है, ये जो सैलरियां है ना एकदम जान के चलिए कि सेविंग सैलरी होती है, जो कि विपरीत परिस्थिति में बहुत ही काम आती है, और ऐसी ड्यूटियां हैं जो कि आपको जगह जगह घूमने के लिए मौका भी देती हैं। अभी देखिए क्या है ना,
आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए क्लास कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, मगर आप लोग क्या है ना, जैसे 20 लाख लोग रहते हैं तो 15 लाख लोग क्या करते हैं, एक कई भीड़ में लगे रहते हैं, जहां एकदम पढ़ाई कितनी कैसी हो रही ये तो नहीं पता है, वो 2 साल 3 साल 4 साल वहीं जब पढ़े रहेंगे, भले वहां पर मोटिवेशन ज्यादा मिले, जानकारियां कम मिले, तमाम चीजें वहां पर कंटेंट कम दिए जाते हैं, आपको रोचक दिए जाएंगे जिनमें 10 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न आपको पहले से ही आते रहेंगे, तो आप बहुत खुश होते हैं कि अरे भैया यहाँ तो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई जा रहा है, हमको आ रहा है। यही सबसे बड़ा वजह है कि आप एग्जाम कभी नहीं निकाल पाते, या एग्जाम में आप 10 नंबर 5 नंबर से पीछे रह जाते हैं। यकीन मानिए आप लोगों के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत किए हैं ना, सिलेक्शन में जैसे भी हम 18 लाख लोगों में 2000 रैंक लाए, पहली बार में मेरी लाइफ का पहला फॉर्म था, कभी कोई पेपर नहीं दिए थे, वो कैसे लिया है, हम अपने बल पर क्या किए, वो तो हमारी मेहनत थी, बाकी हम वैसे उससे 2-4 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों के घर वालों का परिवार वालों का जो सपना है वो पूरा हो जाए, क्योंकि इस बेरोजगारी के समय में यदि आपको नौकरी नहीं मिली, अब ये यूट्यूब के भौकाल में झमेले में और इन सब चीजों में बच करके रह गए ना, जिस दिन आपकी उम्र निकल जाएगी ना उस दिन यकीन मानिए आपका जो अहम, कुछ लोग है ना जैसे हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अब हम पूछ दे मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, उसमें गाजीपुर दिए हैं, बलिया है या नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि कहां से फालतू प्रश्न डाल दिए, ऐसे वैसे तमाम चीजें बात करते हैं जो कि वो पेपर के प्रीलिम्स के प्रश्न है। ऐसे जितने भी कम्युनिटी में हम प्रश्न पूछे हैं, आप जाकर के देखिएगा सब पेपर प्रश्न के जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, मगर 90% लोग हमेशा गलत आंसर देते हैं। यह आपकी तैयारी बताती है कि आप किस लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं देखिए आप जैसे भी जो भी हो सिलेक्शन लेने के लिए चीजें जो है ना, आपको जब मजबूत कठिन चीजें मिलेंगी जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में जिस चीज से लड़ना है वो पहले ही आप लड़ लें, तब जाकर के आप एग्जाम निकालेंगे, भौकाल से बच करके एक बार जम करके तैयारी कर लीजिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, नहीं यकीन मानिए जिस दिन आपकी उम्र निकल जाएगी ना, आप जिस चैनल से पढ़ रहे होंगे 3 साल 4 साल गंवाने के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, उस चैनल को भी गाली देंगे और यहाँ अच्छी चीजों को आप उसके अंधभक्ति में खो देंगे। आप एक बार पढ़िए, आप तैयारी किए हैं, आप बखूबी, हमें पूरा भरोसा है कि चीजें कैसी हैं, इसको जानने के हकदार हैं, जानने में सक्षम हैं। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, वैकेंसी आई है, 26,000 आने वाली है, जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, नहीं ये जान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा, हम तो देखिए हमेशा दुआ करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन ना हो जाए, नौकरी लग जाए आपकी, आपके परिवार के जो सपने हैं पूरे हो जाए, हिताई नताई रिश्तेदारी में आप जाए तो आपको बहुत अच्छा फील हो, सब एकदम सभ्यता से मिले, आपसे हालचाल करें, खिलाए पिलाए, समाज में आपकी इज्जत बने, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप यहाँ पेशेंस रख के यदि आप पढ़ ले गए ना, यकीन मानिए जो एग्जाम में डर रहता है कि वो कठिन क्वेश्चन है, वह कठिन प्रश्न एग्जाम से पहले ही जब आपके सामने आ जाएगा तब एग्जाम में वह आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको देखिए पुलिस विभाग हो या जो भी विभाग हो, सबकी जानकारियां हम बीच बीच में देते रहेंगे, मगर हमारा सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा दिमाग जो माइंड हमारा एक जगह होना चाहिए, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि हम जम करके मेहनत करके नौकरी की तरफ भागें, मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातों के पीछे भागें, कि 50 मिनट में 10 प्रश्न बताएं 40 मिनट गायब, ऐसे आप रोज फंसे रहते हैं, आपको आधे प्रश्न आते हैं, आप तैयारी नहीं कर पाते सही से। ये तो मान लीजिए पुलिस विभाग की सैलरी थी, जो कि वर्तमान की अपेक्षा एक्स्ट्रा मिलती है, वो कैसे मिलती है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, हो सकता है आगे चल के आपको हम लाइव जो परेड पीटी परेड तमाम चीजें आपको दिखाएंगे, वहां से आपको नॉलेज देते रहेंगे, ट्रेनिंग के क्या क्या प्रावधान है, मेडिकल क्या है, कैसे तमाम जानकारियां समय समय पर हम प्रैक्टिकल के तौर पर आपको देते रहेंगे, मगर क्लास एक बार आप करके मेहनत से पढ़ लीजिए, मौके आपको नहीं मिलेंगे, चाहे लेखपाल हो, बीडीओ हो, कोई भी UP SSC के अनुदेशक का एग्जाम हो, सब्जेक्ट स्पेशल जब आप क्लास करेंगे ना तब जाकर के बढ़िया स्कोर करेंगे। जम करके मेहनत करिए, अपने परिवार के सपनों को सही बनाइए। जान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे जो जल्दबाजी में धरना प्रदर्शन के दौरान फांसी लगा लिए,
वो अपने घर परिवार के साथ बहुत ही गलत की है, या सही समय पर वो सही फैसला नहीं कर पाए, तमाम चीजें रही होंगी। ठीक है, मन से पढ़िए आप लोग, जम करके तैयारी करिए।